तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झारखंड के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। रांची पहुंचने पर अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। पूर्व सीएम रघुवर दास ने गृहमंत्री का स्वागत किया है। चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक भी करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, ये जानकारी मिल रही है। बैठक में आगामी चुनावों की बनाएंगे रणनीति। गृहमंत्री अमित शाह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रांची पहुंचे। यहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं की माने तो जनसभा के अलावा शाह कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे, बैठक करेंगे। गृहमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर चाईबासा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, इसके साथ ही आपको बता दें कि रघुबर दास, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकों का आयोजन भी किया था। वहीं उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के लिए 25 कंपनियों को लगाया गया है, जिसमें जिला बल के साथ साथ एनएसजी के लोग भी शामिल हैं। उपायुक्त ने बताया कि गृहमंत्री के आगमन पर आम जनों को परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। तो झारखंड का दौरा है गृहमंत्री अमित शाह का। यहाँ पर चाईबासा में टाटा कॉलेज ग्राउंड माननीय गृहमंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम प्रस्तावित है। उसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल और सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की जॉइंट ब्रीफिंग करी। लगभग हम लोगों के पास 250 मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। दो स्थलों पर उनका प्रोग्राम है जो कि आसपास ही है, और सभी तरीके के ट्रैफिक अरेंजमेंट्स, साथ ही साथ ड्रॉप गेट्स, पार्किंग इत्यादि को डिटेल रूप में देखा गया है और उनके रूट चार्ट बनाए गए हैं। माननीय गृहमंत्री भारत सरकार के बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल एवं आसपास की सिक्योरिटी के लिए 25 कंपनी जो स्थानीय जैप की और डिस्ट्रिक्ट की और पेट्रोलियम डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख है। इसके अलावा लगभग 250 पुलिस पदाधिकारी इस कार्यक्रम इसके अलावा सीआरपीएफ झारखंड जगुआर और कुकरा की टीम जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें लगातार अभियान कर रही है। तो आपको बता दें कि झारखंड दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह है। रांची पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। हालांकि देखिए, इसके लिए व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा भी चाक चौबंद है। केंद्रीय गृहमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के लिए 25 कंपनियों को लगाया गया है, जिसमें जिला बल के साथ साथ एनएसजी के लोग भी शामिल हैं। उपायुक्त ने यह भी बताया है कि गृहमंत्री के आगमन पर आम जनों को परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। और इस दौरान देखिए, बेहद खास कार्यक्रम है, इसको लेकर पहले ही तैयारियां की जा रही थी। मीटिंग का दौर भी इस दौरान देखा गया। तो झारखंड से सुबोध गुप्ता हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, ज्यादा जानकारियों से ले लेते हैं। सुबोध, कितना खास ये कार्यक्रम माना जाए गृहमंत्री अमित शाह का, क्योंकि चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ कार्यक्रम आज के उनके रहने वाले हैं और क्या कुछ व्यवस्था? देखिए सपना, मैं बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह कल देर रात्रि 9 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरे थे विशेष विमान से, जिसके बाद उनको रेडिसन ब्लू होटल रांची में ठहराया गया था। आज सुबह नाश्ता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है चाईबासा के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। 11 बजे से वहां पर कार्यक्रम चाईबासा के टाटा मैदान में शुरू होगा, जो कॉलेज का मैदान क्षेत्र है। लगभग 30,700 कुर्सियां लगाई गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, 6 द्वार बनाए गए हैं जहां से आम जन की एंट्री कराई जाएगी और बाहर निकाले जाएंगे। कार्यक्रम शिरकत खत्म होने के बाद यह कार्यक्रम लगभग 4 घंटे का होगा। 2 घंटे तक अमित शाह का भाषण चलाया जाएगा, जिसमें खास तौर पर विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें
हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम जनमानस के अलावे भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मैं बता दूं कि इस रैली का खास मकसद है कि आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, खासकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के 14 लोकसभा सीटें हैं, उस पर तय की जाएगी कि क्या व्यवस्थाएं होंगी और क्या क्या उन्हें दी जाएगी सुविधा, ताकि आगामी 14 लोकसभा चुनाव जीता जा सके। मैं बता दूं कि खास तौर पर विशेष तैयारी की गई है कार्यक्रम को लेकर के। मैं अभी उस मैदान के बाहरी क्षेत्र के हिस्से पे खड़ा हूँ, जहाँ पर लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था अपना कमान संभाले हुए है एसपी आशुतोष शेखर, लोगों को जांच कर स्वयं अपने स्तर से मैदान में ग्राउंड कैंपस में अंदर करा रहे हैं। पानी पीने का व्यवस्था उपायुक्त अनन्य मित्तल देख रहे हैं और 30,700 कुर्सियां जो है सुदृढ़ तरीके से लगाई गए हैं, इस पर भी मुकम्मल व्यवस्था दिखे जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग बैरिकेटिंग दिया गया है, पुरुषों के लिए अलग बैरिकेटिंग की सुविधा लगाई गई है और अन्य जो कार्यक्रम होंगे, लोग अपने मांग पत्र भी कुछ कुछ सौंपेंगे। जैसे झारखंड के जो अनुबंध कर्मी हैं लगभग और पारा टीचर जो हैं, वो अपने मांग पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे। यहाँ तक कि जो रोजगार संबंधी मामले हैं और नियोजन नीति को लेकर झारखंड के जो युवा हैं और युवतियां हैं, अपने रोजगार संबंधित जुड़ी जानकारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को मांग पत्र सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। और विभिन्न भाजपा के कार्यकर्ता है जो अलग से कोर कमेटी की एक बैठक की जाएगी झारखंड में, जो आगामी 2023-2024 का लोकसभा चुनाव को तय किया जाएगा कि इसमें क्या क्या खास रहेंगे। जी सपना, बिल्कुल बेहद खास ये कार्यक्रम भी रहने वाला है, क्योंकि अभी आपने भी जिक्र किया 2024 के लिए रणनीति बनाई जाएगी और इसको लेकर बीजेपी हमेशा से आगे रहती है। गृह मंत्री अमित शाह कितना बड़ा संदेश उस मंच से देंगे, झारखंड के उस मंच से, और जो कार्यक्रम है वो कब तक शुरू होगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं बता दूं कि कार्यक्रम असल पर 11 बजे से लोगों की भीड़ इकट्ठा हालांकि सुबह से ही शुरू हो गई है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है सो 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उनके माल्यार्पण के बाद और भाजपा कार्यकर्ताओं के स्वागत समारोह के बाद जो स्थानीय झारखंडी परंपरा है, रीति रिवाज है, आदिवासी नृत्य के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। 6 नृत्य का कार्यक्रम होगा, जिसके बाद माननीय उपायुक्त चाईबासा के जो अनन्य मित्तल उपायुक्त है वो स्वागत भाषण देंगे और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है स्वागत भाषण के साथ उनकी तैयारी और विषय प्रवेश कराएंगे और विजय संकल्प रैली का आगाज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो देर रात्रि रेडिसन ब्लू होटल में बैठक किया है, उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में 14 लोकसभा सीटों का इस रैली के साथ शंखनाद करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पूर्व में लोकसभा चुनाव में झारखंड से 13 लोकसभा चुनाव सीटें भाजपा को मिली थी, इसी तरह से 14 लोकसभा चुनाव सीटों पर इस बार भाजपा पार्टी का नजर रहेगा, इसकी रणनीति तैयार करेंगे और खास केंद्रीय गृह मंत्री भाषण यह भी रहेगा कि लोगों को लगे कि हमारी जो सरकार है रोजगार परक सरकार है, विकास योजना लगातार झारखंड में ला रही है। बिल्कुल सुबोध, और इसी के तहत अब काम भी किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह शंखनाद आज करते नजर आएंगे और उस मंच से कितनी बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी अब तक साझा करने के लिए।